गुड मॉर्निंग सक्षम। एक बार फिर मैं अनुज कुमार गुप्ता, आप सभी का आदर अभिनंदन आभार। आज मेरे पास कुछ लोग आए हुए, तो उन्होंने पूछा हम बिजनेस को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? पंकज सावन। पंकज सावन, कहाँ से सर आप? गोवा। आप सर? पारक सावन। सावन, आपका नाम? राम बहादुर। राम बहादुर जी, तो इन्हों का कहना है कि हम अपने एरिया में स्टार्ट काम कैसे करें। दुनिया का सबसे बड़ा काम पता है क्या कहते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा परोपकारी किसको कहते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा उपकार किसको कहते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा गुरु किसको कहते हैं? हम किसी को रोजगार प्रदान करें। अगर आपने मेरे तक आने का रास्ता देखा, अगर आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग देख लिया है, प्रोडक्ट को सोर्स कहां से करते हैं आपको पता चल गया है, तो मैं कहूंगा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, अपने तक ना रखें। यानी कि आप सिर्फ रिटेलिंग काम ना करें, आप होलसेलिंग भी करें अपने एरिया में। वो कैसे, उस चीज को हम समझते हैं। सपोज आपने मेरे से कोई प्रोडक्ट खरीदा जिसकी कीमत 100 रुपए है और वो मैं आपको 100 रुपए पे दे रहा हूं। एक पीस ले रहे हैं, 5 पीस ले रहे हैं, 10 पीस ले रहे हैं, वो मैंने आपको 100 रुपए का पीस दिया। अब मैंने आपसे कहा कि सर आप अपने यहां होलसेलिंग कर लो, तो आपने कहा ठीक है सर मैं कर लेता हूं, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। अब आप वो 100 रुपए का पीस ले आके जब वहां बेचोगे, तो आप भी मेरे पास क्या बन के आए थे? रिटेलर। और आप किसको जाके सामान दोगे? रिटेलर को। तो 100 रुपए वाले पीस का मार्जिन रख के आप कितने का दोगे वहां पे? 105 110 रुपए का। वो आपसे कोई आदमी नहीं लेने वाला, वो कहेगा हम इसको परचेस क्यों करें, ये तो दिल्ली में 100 रुपए का मिलता है। अब आप कहोगे भाई दिल्ली से मैं भी लेकर आ रहा हूं, मेरा खर्चा है, मैं तो 105 का दूंगा। तब कहीं बात बन सकती है। लेकिन अब दोबारा इस बात को दोबारा से समझेंगे। आप मेरे से कहते हो सर मैं अपने एरिया में होलसेलिंग करना चाहता हूं। पहली बात, मैं आपको एक राय देता हूं, मार्केट को अपडेट रखें। आप जब होलसेल का काम कर रहे हैं तो मेरे से 4 आदमी से और पता करके रखें कि आज इसका मार्केट भाव क्या है। ठीक है, अब क्या होगा, आपने मुझसे कहा सर मैं होलसेलिंग करना चाहता हूं, तो मुझे इसका एक कार्टून दे दो। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं उसमें कमाता था 10 रुपए, तो मैं अपना मार्जिन आधा कर दूंगा। मैं अब आपको कितने रुपए का दूंगा? वो 95 रुपए का आइटम। यानी आपको 5 रुपए अब यहां से बचेंगे, और 100 रुपए की चीज आपने अपने एरिया में जाके बेची 105 रुपए की, अब बचेंगे आपको 110 रुपए। किस पे? होलसेलिंग के ऊपर। यानी आप अपने एरिया के छोटे छोटे रिटेलर्स, काउंटर को, मोबाइल शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, म्यूजिक शॉप है, एसटीडी वाला है, गिफ्ट शॉप है, मैं इवन कहूंगा कि ब्यूटी पार्लर शॉप है, आप वहां जाएं, उनके रिलेटेड प्रोडक्ट कहें मैम सर हम इस प्रोडक्ट की होलसेलिंग करते हैं, देखिए दिल्ली के अंदर ये 100 रुपए का मिल रहा है, हम अपना खर्चा ला के कोरियर वोरियर ला के आपको यहाँ पर आपके अपने एरिया में आपके घर तक 105 रुपए का दे देंगे। अब इससे हुआ क्या, मान लो आपकी उस प्रोडक्ट की अपनी दुकान की सेल थी 10 पीस की महीने की, मान लेते हैं, तो 10 पीस पे आपको मैं 100 रुपए की जगह कितने का दे रहा हूँ? 95 रुपए का। तो 5 रुपए आपको यहां से बचे, यानी 50 रुपए तो आपको ये बच गए, क्योंकि आपको 5 रुपए सस्ता मिला। अब स्टार्टिंग है, पहले दिन में सारे कस्टमर नहीं बनते, मैं कहता हूं पहले महीने में आप सिर्फ होलसेलिंग 10 प्रोडक्ट की कर पाए पूरे महीने में, तो 50 रुपए तो आपने वहां पे भी कमा लिए। ये एक छोटा सा उदाहरण है, जब ये रूप बड़ा लेगा, बड़ा वृक्ष बनेगा, तो ये होगा कि एक टाइम में आपके पास महीने के 1000 प्रोडक्ट होलसेलिंग होंगे, हफ्ते के 1000 सेलिंग प्रोडक्ट होंगे, और 5 रुपए से आपका मार्जिन बहुत अच्छे लेवल पर आ चुका होगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, कितने रुपए वाले के? 100 रुपए वाले आइटम के ऊपर। लेकिन कुछ प्रोडक्टों पे मार्जिन बहुत ज्यादा है, ठीक है, 300 रुपए की चीज उसमें मार्जिन बहुत अच्छा है, 100 रुपए की चीज उसमें मार्जिन अच्छा है, कोई 50 रुपए की चीज उसमें मार्जिन अच्छा है। यानी कि जो भी होलसेल पे हम कमाते हैं उसमें से आधा कमाया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे समझाया कि आप खुद तो सक्षम बने, आप अपने एरिया में 10 दुकानदार को और पकड़े, उनको भी सक्षम बनाए, उनके साथ डील करें। और मैंने एक बात और बोली है कि मेरे से सामान लेना कोई जरूरी नहीं है, आप रेट डालो, कहना सर मुझे ये पीस का कार्टून चाहिए। आज की डेट में अगर कोई मुझसे M3 लेना चाहता है, मैं चैलेंज के साथ दे रहा हूं, मैं आपको आज की डेट में अगर 100 से 500 की क्वांटिटी कोई M3 लेता है, तो मैं आपको 156 रुपए में दे दूंगा। कितने रुपए के अंदर?
156 में, और आज का गफार का रेट भी पता कर लो कम से कम 165 और 70 रुपए का है। आज की डेट है 23/1/2020, समय है आज का 1:00। आप गफार जा रहे हो तो पता करना मुझे 100 पीस लेने M3 कितने का है। अगर आपको लगता है कि वहां से मुझे सस्ता मिल सकता है तो मुझे जरूर अपडेट करें। मैं ये आपकी जो वॉइस रिकॉर्ड है, ये हमारी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, इसको मैं डालूंगा यूट्यूब पर। और मैं चाहूंगा कि आप लोग स्पेशली कमेंट्स करें कि आज का आपका वाकई क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या देखा मार्केट में और क्या मेरे यहाँ फर्क आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोबारा से फाइनल टच देते हैं। मैं कह रहा हूँ आप रिटेलिंग के साथ साथ होलसेलिंग करें। होलसेलिंग में सारे प्रोडक्ट में ना करें, पहले कुछ प्रोडक्ट को पकड़ें जिसकी सेल आपकी अच्छी हो और उसके कार्टून की डील करें। कार्टून की डील करने पे कार्टेज और सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, और सबसे पहली बात, आप किसी को रोजगार भी दे रहे हो, अपने लिए भी कमा रहे हो और दूसरे के लिए भी कमा रहे हो। तो एक बार फिर गुड मॉर्निंग, और मैं ये कहूँगा कि हम सक्षम बने, औरों को भी सक्षम बनाएं, औरों को भी रोजगार दें और उनके लिए कुछ करें। ठीक है, एक बार आप सभी का धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सक्षम।